बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म है शोले। बेहद शानदार स्टार कास्ट से सजी शोले ने जाने कितने ही रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बेशक उनमें से बहुत से रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, लेकिन शोले के बनाए कुछ रिकॉर्ड्स आज भी कायम हैं। 3 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने लगभग 45 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूजिक दोनों ही जबरदस्त हिट साबित हुए थे। अमिताभ और धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी को शोले ने चरम पर पहुंचा दिया था। किस्सा टीवी आज आपको शोले फिल्म की मेकिंग से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प कहानियां बताएगा और हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आएगी। पहली कहानी, शोले में अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट ने भी काम किया है। मुश्ताक मर्चेंट उस जमाने के फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट व कॉमेडियन थे। हालांकि उन्हें कभी भी वो पहचान नहीं मिल पाई जो कोई भी अभिनेता अपने लिए चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुश्ताक मर्चेंट ने शोले में 2 रोल निभाए थे। शोले के मशहूर ट्रेन वाले सीन में मुश्ताक मर्चेंट ट्रेन ड्राइवर बने थे। वहीं फिल्म के ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में जब जय और वीरू एक पारसी आदमी की बाइक चुराते हैं तो उस पारसी आदमी का किरदार भी मुश्ताक मर्चेंट ने ही निभाया था। अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। 27 दिसंबर 2021 को उनका निधन हो गया था। दूसरी कहानी, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में धर्मेंद्र शोले के ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाओगे तो संजीव कुमार वीरू का रोल निभाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो हीरोइन हेमा मालिनी संजीव कुमार के साथ रोमांस करेंगी। ये वो वक्त था जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए कुछ ही दिन पहले प्रपोज किया था और धर्मेंद्र भी ये बात जानते थे, जबकि धर्मेंद्र खुद भी हेमा मालिनी से प्यार करते थे। रमेश सिप्पी के समझाने पर धर्मेंद्र मान गए और ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाने की जिद छोड़कर वीरू का किरदार जीने के लिए तैयार हो गए। तीसरी कहानी, शोले के मुख्य किरदारों का नाम जय और वीरू कैसे पड़ा, ये भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल सलीम खान जब इंदौर में रहा करते थे तो उनके 2 दोस्त थे जिनके नाम थे वीरेंद्र सिंह ब्यास, जिन्हें सलीम खान प्यार से वीरू कहा करते थे, जबकि सलीम खान के दूसरे दोस्त का नाम था जय सिंह राव कलेवर। जहां वीरेंद्र सिंह ब्यास उर्फ वीरू के पिता इंदौर की खजराना कोठी के जागीरदार हुआ करते थे, तो वहीं जय सिंह राव पिंडारी योद्धा समाज से थे और उनके पिता सब्जियां उगाया करते थे। सलीम खान की इन दोनों से ही बहुत बढ़िया दोस्ती थी, इसीलिए इन दोनों के ही नाम पर सलीम खान ने शोले के मुख्य किरदारों को जय और वीरू नाम दिया था। चौथी कहानी, साल 1975 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी शोले। शुरुआती असफलताओं के बावजूद शोले ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और वो था बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड, जो कि फिल्म के एडिटर SM शिंदे को मिला था। उस साल ज्यादातर फिल्म फेयर अवार्ड दीवार को मिले थे और इत्तेफाक से दीवार में भी अमिताभ बच्चन ही मुख्य भूमिका में थे, जबकि दीवार की कहानी भी सलीम जावेद ने ही लिखी थी। पांचवी कहानी, शोले के बाद अमजद खान का निभाया गब्बर सिंह का किरदार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस किरदार की पॉपुलैरिटी का आलम क्या था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ब्रिटानिया बिस्किट ने अपने TV कमर्शियल में अमजद खान के गब्बर सिंह के कैरेक्टर को ही पिक्चराइज किया था और भारतीय TV कमर्शियल के इतिहास में ये पहली दफा था जब किसी विलेन के किरदार को किसी TV कमर्शियल में मुख्य भूमिका में लिया गया था। और ब्रिटानिया का ये TV कमर्शियल जबरदस्त हिट रहा था, खास तौर पर बच्चों को ये कमर्शियल बहुत पसंद आया था। छठी कहानी, शोले देख चुका लगभग हर आदमी ये बात मान चुका है कि फिल्म में सांभा का केवल एक ही डायलॉग है, पूरे 50,000, लेकिन ये सही नहीं है। फिल्म में सांभा के वास्तव में 3 डायलॉग हैं। फिल्म का वो सीन जब अहमद रामगढ़ से शहर आ रहा होता है तो गब्बर के गुंडे रास्ते में ताश खेल रहे होते हैं, उन गुंडों में सांभा भी होता है और इस सीन में सांभा डायलॉग बोलता है,
चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। तब दूसरा गुंडा कहता है कि चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। इसके बाद ये लोग अहमद को पकड़कर गब्बर के पास ले जाते हैं, जहां सांभा गब्बर से कहता है, सरदार ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमें रास्ते में मिला। सातवीं कहानी। शोले जब रिलीज हुई थी तो इसे बिल्कुल भी दर्शक नहीं मिल पा रहे थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि सोमवार को सिनेमाघरों ने शोले को उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन शनिवार और रविवार को माउथ पब्लिसिटी ने शोले को लेकर सिने प्रेमियों के दिलों में इतनी उत्सुकता भर दी थी कि सोमवार को दर्शकों का हुजूम इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसके बाद तो शोले ने इतिहास रच दिया। कुछ सिनेमाघरों ने तो शोले को कई सालों तक अपने यहाँ प्रदर्शित किया। सालों बाद शोले का रिकॉर्ड शाहरुख खान की डीडीएलजे ने तोड़ा था। आठवीं कहानी। शोले के गब्बर सिंह का रोल निभाकर अमजद खान ने अपना नाम हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया था। लेकिन 50 के दशक में भारत के ग्वालियर इलाके में वास्तव में एक डकैत हुआ करता था जिसका नाम गब्बर सिंह ही था। कहा जाता है कि वो डकैत पुलिस वालों से बेहद नफरत करता था। जब भी कोई पुलिस वाला उसके चंगुल में फंस जाता था तो वो उनके नाक और कान काट लिया करता था। नवी कहानी। शोले का ओरिजिनल बजट 3 करोड़ रुपए था। इस फिल्म ने लगभग 45 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन साल 2014 में शोले को 3D में भी रिलीज किया गया था और शोले को 3D में रिलीज करने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं फिल्म में सांभा का बहुत ही छोटा सा रोल निभाने वाले मैकमोहन ने 27 दफ़ा बॉम्बे से बेंगलोर तक की यात्रा की थी। इस दौरान कई दफ़ा वो ट्रेन से बेंगलोर पहुंचे थे और कई दफ़ा फ्लाइट से भी उन्होंने बेंगलोर तक का सफ़र पूरा किया था। दसवीं कहानी। शोले की कहानी जितनी पसंद की गई थी इसका म्यूजिक भी उतना ही पसंद किया गया था। फिल्म में कुल 6 गीत थे और इन सभी गीतों को महान गीतकार आनंद बख्शी जी ने लिखा था, जबकि फिल्म का संगीत दिया था RD बर्मन ने। शोले में एक कव्वाली भी रखी गई थी जिसका टाइटल था कि चांद सा कोई चेहरा, और ये कव्वाली भी आनंद बख्शी जी ने ही लिखी थी। इस कव्वाली को रिकॉर्ड तो कर लिया गया था लेकिन इसे शूट ना किया जा सका, और चूंकि शोले की लंबाई पहले ही काफी ज्यादा हो चुकी थी तो फाइनली इस कव्वाली को फिल्म से हटा दिया गया। एक और रोचक बात जो इस कव्वाली से जुड़ी है वो ये कि इस कव्वाली में गीतकार आनंद बख्शी ने भी अपनी आवाज दी थी, जबकि किशोर कुमार और मन्ना डे ने इस कव्वाली को गाया था। आप चाहें तो YouTube पर इस कव्वाली को सुन भी सकते हैं। 11वीं कहानी। शोले के सूरमा भोपाली के किरदार को भला कौन भुला सकता है। महान कॉमेडियन जगदीप ने यह रोल निभाया था और इसी के साथ जगदीप भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए। लेकिन सूरमा भोपाली के किरदार से भी एक रोचक किस्सा जुड़ा है। दरअसल पूरी फिल्म कंप्लीट होने के बाद सूरमा भोपाली का किरदार इसमें डाला गया था और सलीम जावेद ने काफी जिद करके सूरमा भोपाली के किरदार को फिल्म में डलवाया था, जबकि पहले रमेश सिप्पी इस किरदार को फिल्म में लेना ही नहीं चाहते थे। इस रोल के लिए जब पहली दफा जगदीप साहब को अप्रोच किया गया तो उन्होंने ये रोल निभाने से मना कर दिया। जगदीप इसलिए ये रोल नहीं करना चाहते थे कि एक तो फिल्म पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और दूसरा ये कि जगदीप पहले इस फिल्म में असरानी का निभाया जेलर वाला रोल निभाना चाहते थे। वहीं प्रोड्यूसर GP सिप्पी ने ब्रह्मचारी फिल्म के पैसे भी उस वक्त तक जगदीप को नहीं दिए थे, लेकिन सलीम जावेद के मनाने पर आखिरकार जगदीप इस शर्त पर यह रोल निभाने को मान गए कि रोल चाहे छोटा ही क्यों ना हो उन्हें उनकी पूरी फीस दी जाएगी और उनका पुराना बकाया भी चुकाया जाएगा। और आखिरकार जगदीप का निभाया सूरमा भोपाली का वो किरदार अमर हो गया। 12वीं कहानी। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि किसी वक्त पर सलीम जावेद सूरमा भोपाली के किरदार के लिए प्राण साहब को भी लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें बताया कि प्राण साहब शायद उतनी बढ़िया भोपाली नहीं बोल पाएंगे जितने की इस रोल के लिए चाहिए होगी। क्योंकि प्राण साहब पंजाबी हैं तो हो सकता है कि उनका पंजाबी एक्सेंट सूरमा भोपाली के किरदार पर हावी हो जाए। रमेश सिप्पी की बात सलीम जावेद को समझ में आ गई और आखिरकार प्राण साहब को सूरमा भोपाली के किरदार में लेने का विचार उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि सालों बाद एक इंटरव्यू में प्राण साहब ने
में कहा भी था कि अगर उन पर भरोसा किया जाता तो वो इस रोल के लिए अपनी जान लड़ा देते। 13वीं कहानी, शोले में संजीव कुमार के कैरेक्टर का नाम ठाकुर बलदेव सिंह कैसे पड़ा, इसके पीछे का किस्सा छोटा लेकिन दिलचस्प है। दरअसल सलीम खान के ससुर यानी सलमा खान के पिता का नाम ठाकुर बलदेव सिंह ही था। वो पेशे से एक डेंटिस्ट थे और मुंबई के माहिम इलाके में उनका क्लिनिक हुआ करता था। सलीम खान ने उन्हीं के नाम पर उस कैरेक्टर का नाम ठाकुर बलदेव सिंह रखा था। 14वीं कहानी, शोले के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, लेकिन रमेश सिप्पी से भी पहले सलीम जावेद उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई के पास गए थे। मगर चूंकि उन दिनों मनमोहन देसाई चाचा भतीजा फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो उन्होंने शोले को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया। इत्तफाक से चाचा भतीजा में धर्मेंद्र ही काम कर रहे थे और इस फिल्म की कहानी भी सलीम जावेद ने ही लिखी थी। 15वीं कहानी, किसी जमाने में सलीम जावेद ने प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी को मजबूर फिल्म की कहानी बेची थी। उसी दौरान ही सलीम जावेद ने जीपी सिप्पी को चार लाइनों में लिखे शोले के आइडिया को भी बेचा था। आपको जानकर हैरत होगी कि सलीम जावेद ने महज 1.5 लाख रुपए में शोले का यह आइडिया सेल किया था, जबकि मजबूर के लिए उन्होंने जीपी सिप्पी से 2 लाख रुपए लिए थे। हालांकि बाद में जीपी सिप्पी ने प्रोड्यूसर प्रेम जी को मजबूर फिल्म की कहानी बेच दी थी। फिर साल 1972 में जब सीता और गीता की सक्सेस पार्टी हो रही थी तो उसमें जीपी सिप्पी ने अपने बेटे रमेश सिप्पी से कहा था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर उन्हें कोई एक्शन फिल्म बनानी चाहिए। इस तरह शोले फिल्म की नींव पड़ी थी। 16वीं कहानी, साल 2007 में राम गोपाल वर्मा ने राम गोपाल वर्मा की आग नाम से एक फिल्म बनाई थी जो कि शोले की ही रीमेक थी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गब्बर का रोल निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी और बिना इजाजत शोले का रीमेक बनाने की वजह से राम गोपाल वर्मा पर अदालत ने साल 2015 में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।